नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। सूरतगढ़ से बड़ी खबर। आपने मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे कि एक ऐसा बालाजी मंदिर जो आप सुनकर के अचंभित रह जाओगे। इस मंदिर में न कोई चढ़ावा, न कोई दान दक्षिणा और न कोई पूजा पाठ, फिर भी बालाजी के चमत्कारी इस मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्याय द्वारा नवधरा बालाजी मंदिर चक 4 BKM तहसील सूरतगढ़ में स्थापित है। यहाँ शिवपाल व नरपत सिंह सेवादारों ने हमारे संवाददाता गोविंद भार्गव से रूबरू होकर बताया कि न्याय द्वार नवधरा बालाजी मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ हर माह की 1 तारीख को यह मंदिर खोला जाता है। मंदिर की मूर्ति का परिसर की वीडियो या फोटो खींचना सख्त मना है, ऐसा बाबा का हुक्म बताया जा गया है। और भक्तों को यह विशेष ध्यान रखना होता है कि मंदिर के अंदर बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा होकर नज़रों से नज़र मिलाकर बाबा से अपने मन की मन्नत के बारे में कहना है। और उस वक्त भक्त की जेब में बटुआ, बेल्ट, पैसे व प्रसाद आदि कुछ भी साथ न ले जाना होता है। यह बाबे का विशेष हुक्म है। शिवपाल नरपत सिंह सेवादार ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1993 में की गई थी और मूर्ति स्थापना 13 साल बाद पुजारी स्वर्गीय राम प्रताप ने की थी। अभी वर्तमान में राम प्रताप के पुत्र मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर पूरे महीने भर में बंद रहता है। सिर्फ 1 तारीख को ही 12 घंटे के लिए सुबह से शाम तक यहां श्रद्धालु आते हैं। शिवलाल ने बताया कि सबसे बड़े पहले 1993 में मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय मंदिर का नाम त्रिवेणी बालाजी धाम और फिर चहु शक्ति दुष्ट नाटक अंजनी मंदिर और फिर जगदरा के वक्त 13 वर्षों के बाद मूर्ति स्थापना की गई। उसके बाद नवधरा न्याय द्वार बालाजी मंदिर 1 जनवरी 2015 को नया नाम रखा गया और अब यह मंदिर 1 माह की 1 तारीख को खुलता है। इतने सारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ऐसा कोई चढ़ावा नहीं और नाश्ता लंगर प्रसाद चलता रहता है। यह बालाजी महाराज का चमत्कार है।